नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि 14 जुलाई से श्रावण का महीना लग गया है। इस महीने में शिव की पूजा का खास विधान है और साथ ही दान जप का भी विशेष फल है। आज हम आपको बताएंगे कि श्रावण में क्या नहीं करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ध्यान से सुनिए। श्रावण मास में मान्यता है कि शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए और कांसे के बर्तन में नहीं खाना चाहिए। शिव की पूजा करते समय पूजा के समय में शिवलिंग पर हल्दी न चढ़ाएं, हो सके तो सावन के महीने में दूध का सेवन भी ना करें। सावन के महीने में दूध का सेवन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। सावन के महीने में दिन के समय कभी नहीं सोना चाहिए। शास्त्रों में आहार संबंधी कहा गया है कि सावन के महीने में बैगन नहीं खाना चाहिए, बैगन को अशुद्ध माना गया है। शिवलिंग पर या फिर भगवान शिव की प्रतिमा पर केतकी के फूल भूलकर भी न चढ़ाएं। श्रावण मास में प्रतिदिन दीपदान करना विशेष महत्व रखता है। दीप यानी ज्ञान प्रकाश, प्रकाश फैलने की प्रेरणा दीप पूजन में है। स्पष्टतः हमें विद्या दान के क्षेत्र में भी संकल्पित होकर उतरना चाहिए ताकि शिव भगवान की पावन कृपा हमें मिले। श्रावण मास में बेलपत्र, शमी पत्र, शिवलिंगी, आंवला आदि पौधारोपण भी दान के समतुल्य है। अगर आप शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें।